डीसी पटेल नवनिर्माण एज्युकेशन कैम्पस सीबी पटेल स्पोर्ट्स कैम्पस संचालित नंदुबा इंग्लिश एकेडमी शाळा में प्री उत्तरायण सेलिब्रेशन राखवामां आव्युं हतुं, साथे विविध प्रकारना स्टॉल बाळकों द्वारा राखवामां आव्या हता। नंदुबा इंग्लिश एकेडमीनी आचार्य डॉक्टर मोनिका शर्माए जणाव्युं हतुं के आ सेलिब्रेशन विद्यार्थीओ अने तेमना वालीओ माटे राखवामां आव्युं छे, जेमां विद्यार्थीओनी साथे मोटी संख्यामां वालीओ अने प्रेक्षको आ तहेवारनी उजवणी करवा माटे पहोंच्या हता। साथे बाळको द्वारा 65 जेटला विविध प्रकारना खावा पीवा स्टॉल રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી બાળકોને ભવિષ્યમાં તેઓને પોતાનો વ્યવસાય કેવી રીતે ચલાવી શકાય તે અનુભવ અત્યારથી મળી રહે તે હેતુથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। नमस्कार, नंदुबा इंग्लिश एकेडमी स्कूल के द्वारा प्री उत्तरायण सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ आज जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है वो आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है। म्यूजिक्स है, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और आज हमारे साथ जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रस्टी हैं और जो महानुभाव हैं उनके साथ हम बात करेंगे किस प्रकार का ये आयोजन है और किस तरह की बच्चों को एक सेफ उत्तरायण का मैसेज स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, आज किस प्रकार का आयोजन। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ नंदुबा इंग्लिश अकेडमी दैट इज एसोसिएट विद डीसी पटेल नवनिर्माण एजुकेशन कैंपस और सीबी पटेल ग्रुप। आज हमारे यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर सुनील सर पटेल सर और हमारे फाउंडर ट्रस्टी मिस्टर अर्जुन पटेल सर इज़ देयर अलॉन्ग विथ अस एंड प्रिंसिपल रीना मैडम इज विथ अस एज अ गेस्ट। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग उत्तरायण। जैसे मकर संक्रांति हमारी संस्कृति है और सभ्यता है, उसके साथ में बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं जैसे ये, और बच्चों के लिए काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स का पार्टिसिपेशन रखा गया है। इट्स अ शेप ऑफ द कार्निवल वी आर सेलिब्रेटिंग ओवर हियर। नाउ दिस टाइम जस्ट वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट, दे आर हैंडलिंग देयर स्टॉल्स एंड दे आर जस्ट कमिंग इन द वे ऑफ द एंटरप्रेन्योर, इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। सो नाउ दे आर जस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड जस्ट वी आर हैविंग द यू नो वेरी प्ले the pleasant weather over here and then along with the kite flying festival and the parents is also participating। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के साथ साथ में parents भी participate कर रहे हैं पतंग उड़ाने में, उसके साथ साथ में आज हमारे साथ में हमारे जितने भी ट्रस्टीज वगैरह हैं उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए कि हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहें और आगे बढ़े। और जो उत्तरायण है, जब यहाँ से ऋतु परिवर्तन होता है तो उसका एक मैसेज हमारे बच्चों में जाता है कि उस सीज़न के बारे में सारा हम बच्चों को बता सकते हैं। खान पीन में भी परिवर्तन आता है, ऋतु में भी परिवर्तन आता है, तो उत्तरायण का क्या मैसेज होना चाहिए और हमारी संस्कृति में हम इसका क्या महत्व है मकर संक्रांति का, वो हम बच्चों को बताते हैं। जी सर, तमे शुं कहेशो के आ प्रकारनुं जे आयोजन थतुं होय छे केटलुं लाभदायक छे, बाळकोने सारूं मैसेज जतुं होय छे? जी मैडम, आ अमारे कांठा विभाग नवनिर्माण मंडल ट्रस्ट संचालित नंदुबा इंग्लिश एकेडमी स्कूल है और आज सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड पर ग्राउंड पर आ पतंग उत्सव जो आयोजन करेलू है मैडम मोनिका शर्मा जी, ए खरेखर विद्यार्थियों दरेक एक्टिविटी में मददरूप थाय है मैडम। अने अमारी स्कूलनुं नाम जे रोशन कर्युं छे बदल मोनिका शर्माने खास खास अभिनंदन, अने सूरतना खास पब्लिक ने आज मकर संक्रांतिनो खास आज ये उत्सव मनावे लोग पतंग चगावे, रंगबिरंगी पतंगों चगावे अने एन्जॉय ले, एज बधुं मार खास कहेवानुं छे।